भाभी बहुत टेंशन में लग रहे हैं। अरे नहीं पनौती, मैं टेंशन में नहीं हूं रे। पता है पनौती, आज हमने एक विचित्र सपना देखा है। विचित्र सपना? कैसा सपना भाभी? हमने देखा है पनौती कि एक बिल्कुल अंधेरा कमरा है और उस अंधेरे कमरे में एक बुढ़ा आदमी सो रहा है और उस बुढ़े आदमी का सेवा लड्डू गोपाल कर रहे हैं। सपने में लड्डू गोपाल सेवा कर रहे? अरे नहीं भाभी, जन्माष्टमी आ रहा है ना, हो सकता है उसी में आपने देखा होगा। अरे हाँ पनौती, जन्माष्टमी के नाम पर तो तुमने याद दिला दिया। पता है नया झूला और नया बेड भी लेना है लड्डू गोपाल का। भाभी लड्डू गोपाल की नया कपड़ा नहीं लगता है क्या? अरे कपड़ा गहने सब लेंगे। एक काम करते हैं पनौती, कल चलते हैं बाजार हम लोग, ठीक है? नहीं भाभी, बहुत सारा सफाई करना है, चलना है तो आज चल चलिए। अरे हाँ हाँ चलो आज ही चलते हैं। चलिए कुछ पैसे ले लो, पैसे ले लो। ठीक है भाभी, कितना ले लो भाई? आज 50,000 ले लो, जन्माष्टमी भी आ रहा है, कुछ मंदिर में भी दान कर देंगे। ठीक है ठीक है, 50,000 ले लो। चलो आज बाजार कर ही लेते हैं हम लोग। सब तुझे छोड़कर चले गए। न किसी ने नहलाया और ना ही खाना खिलाया। भूख लगी होगी ना गोपाला, भूख लगी होगी। अरे मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो किसी को आवाज भी नहीं लगा सकता। अगर किसी को आवाज भी लगाऊंगा तो कोई सुनने वाला नहीं। कहिए क्या कहना है आप? आप कौन है? अरे मैं वसूली भाभी, इधर से जा रही थी तो इस घर से एक बच्चे की पुकारने की आवाज आई, इसीलिए मैं चली आई। बच्चे की आवाज? माफ कीजिएगा, यहाँ पे मैं और मेरे गोपाला के अलावा कोई नहीं है। कोई नहीं है? पर घर के बाकी सदस्य कहाँ गए? बाकी लोग घूमने गए हैं। घूमने? घूमने? आपको इस हालत में छोड़कर? मुझे मेरी चिंता नहीं है, मैं तो अपना समय गुजार रहा, मुझे मेरे गोपाला की चिंता। पता है सुबह से भूखे हैं, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। अरे अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपने साथ लड्डू गोपाला को ले जा सकती हूँ। नहीं नहीं, मैं अपने गोपाला को नहीं दे सकता। अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं गोपाल जी का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखूंगी, अच्छे से सेवा करूंगी। लेकिन लेकिन मैं इनके बिना कैसे रहूंगा? अरे चाचा जी सुनिए तो सही, जब तक आप ठीक होंगे तब तक मैं इनकी सेवा करूंगी। गोपाला जाएगा इनके साथ? हाँ? अरे चाचा जी मैं इन्हीं का कपड़ा लेने के बाजार जा रही थी, आवाज आई और मैं चली आई। चाचा जी प्लीज जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक इनको हमारे साथ जाने दीजिए और मैं इनकी सेवा अच्छे से करूंगी, सेवा में कोई कमी नहीं रखूंगा चाचा जी, कोई कमी नहीं। ठीक ले जाओ। पनौती जरा पैसे देना। दे दीजिए। ये पकड़ चाचा जी, ये लीजिए। नहीं नहीं, मैं अपने गोपाला को बेच नहीं रहा हूं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अरे चाचा जी ये बेचने खरीदने की बात नहीं हो रही है, ये आपके इलाज के पैसे हैं चाचा जी, इलाज के हैं। अरे चाचा जी आप रख लीजिए, इलाज करा लीजिए, जब आप ठीक हो जाइएगा ना तब आप मुझे बेशक वापस कर दीजिएगा, लेकिन अभी ले लीजिए, ले लीजिए। ये पैसे मैं नहीं ले सकता चाचा जी, प्लीज ये आपके इलाज के पैसे हैं और कुछ नहीं है, ये लीजिए चाचा जी, संकोचिए मत। जैसी गोपाला की मर्जी। चाचा जी अब मैं इनको ले जाऊं? हाँ
ले जाओ आराम से, आराम से। अरे बिल्कुल चिंता मत कीजिए चाचा जी, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखूंगी। अच्छा तो हम चले? हाँ, आपने तो मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी। आप साक्षात देवी हैं, देवी। अरे चाचा जी, मैं कुछ नहीं हूँ, जो हूँ इनकी मर्जी से हूँ। ये जो चाहते हैं वही कराते हैं। ठीक है चाचा जी, हम चलते हैं। वाह रे गोपाल, तेरी लीला भी अपरंपार, तेरी लीला भी अपरंपार। भाभी एक बात बोलूं? बोलो पनौती। पहली बार ऐसा चमत्कार दिखाऊं? कैसा चमत्कार पनौती? भाभी एक बच्चे की आवाज आई, हाँ? वहां हम लोग आए, बच्चा भी नहीं था, तो ये चमत्कार ही ना है। अरे पनौती, चमत्कार है तो संसार है रे। और हमारे लड्डू गोपाल, हमारे लड्डू गोपाल तो 16 गुण संपन्न है, इनके छत्र छाया में तो चमत्कार ही चमत्कार है रे। यही नहीं भाभी, आपका सपना भी चमत्कार ही है। हम लोग वहां गए थे, न जाने न पहचाने, उसको पैसा भी देके चले आए। हम लोग नहीं जानते ना, हमारे लड्डू गोपाल तो जानते हैं। बस यूं सोचो, इन्होंने इजाजत दी और हमने दे दिया। भाभी भक्ति भी बड़ा दिल से आप करती हैं। जो आनंद भक्ति में है ना पनौती, वो दुनिया के किसी काम में नहीं है। लोग मंदिर जाते हैं तो फोटो खींचते हैं, सेल्फी खींचते हैं, पोस्ट करते हैं, ऐसा लगता है जैसे भगवान पे एहसान कर रहे हैं। लेकिन पनौती ये गलत है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। भक्ति अंतरात्मा से होता है, दिल से होता है, मन से होता है। और मन से किया हुआ भक्ति में जो संतुष्टि है वो कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं। और उसी भक्ति में मैं भी डूब जाना चाहती हूँ। अरे चल घर चल, जल्दी लेट हो रहा है। चलिए भाभी चलिए।